नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से मुठभेड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों में डिविजनल कमेटी लीडर ताती भीमा और डिविजनल कमेटी मेंबर महिला माओवादी राजेश की मुठभेड़ में मौत हो गई है। इन दोनों नाम के मृतकों में शामिल होने का मतलब है कि माओवादियों का करारा झटका लगा है। ताती भीमा नए माओवादियों के लिए बेहतर ट्रेनर होने के साथ साथ दक्षिण बस्तर के बेहद सक्रिय था। महिला नक्सली पोडियम राजे भी इस मुठभेड़ में मारी और यह नाम भी नक्सलियों के लिए अहम नाम था। इसमें हमारी आज सुबह भयंकर मुठभेड़ जो नक्सलियों से साकरे के पास में हुई है, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए और 8 नक्सली मारे गए, जिनमें 2 DVC मेंबर शामिल हैं। 10 हथियार इसमें रिकवर किए गए, SLR 315 बोल, 12 बोल, 1 बोल्ट एक्शन राइफल, अपनी भरमार राइफल सिस्टम बरामद हुई है। शहीद जवानों का शव और मारे गए नक्सली का शव सपना ले आए हैं। अभी पार्टियाँ अंदर हैं ऑपरेशन में और अभी उनके आने में कुछ समय। सर, मारे गए नक्सली में कोई बड़ा नेता आज़ाद बताया जा रहा है? आज़ाद के बारे में हमें जानकारी नहीं है, 2 DVC मेंबर्स के बारे में हमें जानकारी है, आज़ाद तक इस तरह का जानकारी है। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।